नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम फार्मा सेक्टर का एनालिसिस करने वाले हैं, जहां पर हलचल बढ़ती हुई नजर आई है। फिलहाल बहुत से ऐसे स्टॉक है जो कि भारी गिरावट पे अवेलेबल नजर आते हैं, तो ऐसे स्टॉक में क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे, और पूरे फार्मा सेक्टर पर हमारा क्या व्यू होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से कुछ महीनों पहले हमने फार्मा सेक्टर का एनालिसिस किया था, उसके बाद हमें अच्छी तेजी देखने को मिली थी, तो इसी प्रकार की एनालिसिस करने की हम कोशिश करेंगे। तो के महीने से निफ्टी फार्मा कंसोलिडेशन में चला गया है, 13750 से करके 14750 की रेंज हो चुकी है। इसी लेवल में आपको इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आता है, और आप देख पाएंगे अच्छा सपोर्ट भी है, मल्टीपल टाइम्स इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल फार्मा सेक्टर में जो गिरावट का माहौल है, कब से शुरुआत हुई है यह मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो बड़ी रेड कैंडल आपको नजर आती है, यहां पर डर का माहौल बढ़ गया था। ये वो कैंडल है जब डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स आए थे, 10% का लोअर सर्किट रखा था, बाकी भी फार्मा स्टॉक्स में बहुत गिरावट देखने को मिली थी, तो डर का माहौल एकदम से बढ़ गया। लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली, वापस अपने उसी हाई पर गया, लेकिन उसी लेवल से वापस निफ्टी फार्मा सपोर्ट पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडेक्स लेवल पर फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन कई इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो कि ऑरोबिंदो फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, जो कि निफ्टी फार्मा का हिस्सा है, वहां पर ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हुई है। लेकिन डिविस लेबोरेटरी और सन फार्मा, जिनका वेटेज 40% का है टोटल, उसने संभाल लिया है इंडेक्स को, इसलिए इंडेक्स लेवल पे इतनी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट में फिलहाल एक इंपॉर्टेंट लेवल पर निफ्टी फार्मा ट्रेड कर रहा है, जो कि है इसका 20 वीक्स का मूविंग एवरेज। अगर ये लेवल टूटता है तो ऑफ कोर्स और गिरावट हो सकती है। पहले जब ये लेवल टूटा था तो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट नजर आया था, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 12,800 के आसपास का लेवल। तो फिलहाल की सिचुएशन हमें पता है, फार्मा स्टॉक्स में ओवरऑल वीकनेस चल रही है। दो स्टॉक की वजह से आपको तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है इंडेक्स लेवल पे, बाकी बहुत से स्टॉक है जो कि गिरावट पे अवेलेबल है। तो उसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो कोविड की सिचुएशन सुधरती हुई नजर आई है, केसेस थोड़े से कम हो चुके हैं, ये एक पॉसिबल रीजन है। लेकिन मेन रीजन है कि यूएस के बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। जितने भी फार्मा स्टॉक्स के रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, ज्यादातर यही प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण शेयर में आपको गिरावट दिखाई पड़ती है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है, जो कि इसका सपोर्ट है 13,700-13,800 का लेवल, तो आपको 13,000 का लेवल एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो कि डेली बेसिस पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है, और हमने 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज देखा था वो भी उसी के आसपास 12,800-12,900 के आसपास दिखाई पड़ता था, तो वो लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इंडेक्स लेवल पे तो आर या पार वाली सिचुएशन दिखाई पड़ती है। अब उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत सी गिरावट देखने को मिली है, वहां पर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है ऑरोबिंदो फार्मा, 761 का प्राइस है, 7.5% की भारी गिरावट। सेक्टर का पी 40 है, जबकि यह हमें 8 के पी रेशियो पर अवेलेबल है, 2.03 का प्राइस टू बुक रेशियो, 44,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.53% का डिविडेंड यील्ड, 25% की एवरेज डिलीवरी परसेंटेज है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार राइज होता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे पिछले एक साल में बिल्कुल रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, उसी लेवल पर स्टॉक हमें वापस लौटता हुआ नजर आता है, उसी सपोर्ट पर हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 1050 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ रहा था, 900 के आसपास पहुंचा था, लेकिन एक ही हफ्ते में कुछ ज्यादा ही गिरावट हो गई, और फिलहाल स्टॉक हमें 750 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, जो 760-750 ये जो लेवल है, मल्टीपल टाइम्स एज अ स्ट्रांग सपोर्ट हमें नजर आया है। पहले यही लेवल रेजिस्टेंस की तरह नजर आया, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर यही लेवल एज अ सपोर्ट हमें दिखाई पड़ा, फिर अच्छी तेजी आपको कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आई थी, तो उसी जोन में स्टॉक लौटता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है, जो कि है इसका 200 वीक्स का मूविंग एवरेज, जो कि कई बार एज अ स्ट्रांग सपोर्ट नजर आया। और वीकली चार्ट पर मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, ये जो पूरा जोन है 750 के आसपास के लेवल्स, पहले भी एज अ स्ट्रांग जोन्स नजर आए हैं, पहले एज अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस नजर आए हैं, जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी, और फिलहाल हमें ये स्ट्रांग सपोर्ट की तरह नजर आते हैं। तो ओवरऑल ये जो 750, 740, 760 ये जो पूरा जोन है, बहुत ही स्ट्रांग जोन है, जहां से
रेजिस्टेंस हुआ है और कई बार एज अ सपोर्ट नजर आया है। वीकली RSI 32.85 है, काफी ज्यादा वीकनेस नजर आती है। तो ओवरऑल फिलहाल करना क्या चाहिए, कंपनी तो बहुत ही अच्छी, हमने देखा इसके फाइनेंशियल ट्रेंड से हमें पता चलता है और ऑफ कोर्स इसका वैल्यूएशन तो बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है। लॉन्ग टर्म के निवेशक एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिनका विजन 5 साल 10 साल का है वो एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 1 साल पहले आए हैं 2 साल पहले आए हैं, जिन्हें सिर्फ तेजी चाहिए कि नहीं अभी 1 साल के अंदर अंदर ये स्टॉक हम यहाँ से डबल होना चाहिए, ये करने के लिए ऑरोबिंदो फार्मा थोड़ा सा वीक हो सकता है क्योंकि टेक्निकली काफी ज्यादा वीकनेस है, सारे मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फार्मा स्टॉक्स में जो रीजन मैंने आपको बताए हैं वो एकदम से चले जाएंगे उसके चांसेस मुझे पर्सनली कम नजर आते हैं। वैक्सीनेशन काफी जोर में है तो थर्ड वेव के चांसेस भी कम है और यूएस का बिजनेस सुधरने में कम से कम 3-6 महीने तो आराम से निकल सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं या फिर एज अ पोजिशनल रेट स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। दूसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी 4652 का लास्ट ट्रेड प्राइस है 1.36% की गिरावट है। सेक्टर का पी रेशियो 40 है जबकि डॉक्टर रेड्डीज का 44, प्राइस टू बुक रेशियो 4.39, मार्केट कैप 77,000 करोड़ की, 0.54% का डिविडेंड यील्ड है, 32% की एवरेज डिलीवरी परसेंटेज। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, लगातार ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में, हालांकि प्रॉफिट के बारे में बात करें 2019 के मुकाबले प्रॉफिट में कोई बड़ी ग्रोथ हमें नजर नहीं आती है। डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट पर आप देख पाएंगे यहां पर भी क्लियरली आपको वीकनेस देखने को मिली है, यह जो बड़ी कैंडल का निर्माण हुआ है उसके बाद स्टॉक में वीकनेस बढ़ती हुई नजर आई है, स्टॉक फिलहाल भी आपको नीचे ही आता हुआ नजर आता है। 5,500 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करा था, फिलहाल स्टॉक हमें 4600 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो तकरीबन 900 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिली, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ भी आता हुआ नजर आता है जो कि 4300 का जोन, जहां पर पहले कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया जो कि पहले एक्चुअली एज अ रेजिस्टेंस नजर आया था, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, फिर से गिरावट हुई, यही लेवल पर सपोर्ट लिया, तेजी आई, फिर से गिरावट हुई, सपोर्ट लिया, गिरावट हुई, सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस तेजी देखने को मिली, तो ओवरऑल ये जोन काफी स्ट्रांग जोन की तरह नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर भी आपको वीकनेस नजर आती है, 20 वीक्स का मूविंग एवरेज टूट गया, 50 वीक्स का मूविंग एवरेज भी आपको टूटता हुआ नजर आया और फिलहाल आप देख पाएंगे ऊपर जाने की कोशिश हुई थी लेकिन फिलहाल तो स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया है और ये वीक भी क्लोज हो चुका है, यहां पर भी आपको ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन नजर आता है, तो क्लियरली स्टॉक में टेक्निकली वीकनेस है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 4400 का लेवल, वहां पर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली RSI भी बहुत ही वीक है, 40 के आसपास है, तो यहां पर भी मेरा सेम व्यू है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जिनका विजन एक्चुअली लॉन्ग टर्म का है खरीद सकते हैं, बाकी जो शॉर्ट टर्म के विजन है टेक्निकली वीक चल रहा है, स्टॉप लॉस लगा के खरीदना चाहें तो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक जहां पर भारी गिरावट देखने को मिली है वो है लुपिन, 976 का लास्ट ट्रेड प्राइस है 0.09% की तेजी, 40 का सेक्टर पी है, 26 का पी रेशियो नजर आता है, 3.2 प्राइस टू बुक रेशियो, 44,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 0.67% का डिविडेंड यील्ड, 33% की एवरेज डिलीवरी परसेंटेज है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें रेवेन्यू में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है पिछले 4 सालों में और प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको ज्यादा स्टेबिलिटी नजर नहीं आती है, 2020 में लॉस हुआ था, तो ओवरऑल आपको रेवेन्यू में ग्रोथ नजर नहीं आती है, हालांकि प्रॉफिट धीरे धीरे राइज होते हुए नजर आए हैं, तो इसका मतलब है कि मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट नजर आता है। लुपिन के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है 1200 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करा था, फिलहाल हमें गिरावट देखने को मिली है, फिलहाल स्टॉक 1000 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम्स यहां पर सपोर्ट लिया और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट में आप देख पाएंगे इसका जो ट्रेंड है राइजिंग होना शुरू ही हुआ था, धीरे धीरे सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर जा रहे थे, स्पेशली इसका जो 200 वीक्स का मूविंग एवरेज था वो स्लोली ऊपर जाने की शुरुआत में था और वापस स्टॉक उसी लेवल पर हमें आता हुआ नजर आता है जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सिर्फ 200 ही नहीं 100 वीक्स का मूविंग एवरेज भी आप देख पाएंगे उसी जोन में, तो ये पहला जोन तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा जोन थोड़ा सा नीचे है, पहला जोन जो है करंट मार्केट प्राइस वाला 970-950 का जोन है, दूसरा जोन है 850 के आसपास, पहले यहां पर सपोर्ट लिया उसके बाद तेजी, फिर से सपोर्ट, फिर से तेजी हमें देखने को मिली, एक्चुअली 3 बार सपोर्ट लिया, ये भी कैंडल आप देख पाएंगे रेड कलर की जो कैंडल है यहां पर भी सपोर्ट लिया, तो ओवरऑल दूसरा सपोर्ट 850 का एक जोन
जोन है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं, हालांकि मेरा प्रेफरेंस रहेगा औरोबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में। फंडामेंटली स्पीकिंग हमने रेवेन्यू भी देखा, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको इतनी ज्यादा बेहतर नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी यहां पर कोई निवेश करना चाहता है तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, दोनों लेवल्स पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। टेक्निकली ये भी वीक ही चल रहा है, तो यहां पर भी जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं जो कि होल्ड कर सकते हैं, एक दो साल अगर स्टॉक ऊपर नहीं भी गया, थोड़ा सा नीचे भी आ गया, तीनों स्टॉक की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा नीचे भी आ गए तो भी फ्रस्ट्रेट ना हो, वो लोग यहां पर निवेश कीजिए, क्योंकि टेक्निकली यहां पर बहुत ही बड़े रिवर्सल के चांसेस फिलहाल के लिए तो नजर नहीं आते। आगे जैसा चार्ट डेवलप होगा मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहूंगा, फिलहाल के लिए तो आपको वीकनेस नजर आती है। वापस 1200 के लेवल्स आएंगे उसके चांसेस करंट चार्ट के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से कम नजर आते हैं। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक जो है फार्मा सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। और शॉर्ट टर्म पोजिशनल के बारे में बात करें तो जो ऑलरेडी अभी स्ट्रांग चल रहे हैं, डिविस लैब है, सन फार्मा है, कैडिला भी है, सिप्ला भी है, वो सब भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर आप खरीदारी करना चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल जो लॉन्ग टर्म के जो अभी अच्छे खासे स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज जैसे अच्छे स्टॉक, औरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन जैसे अच्छे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है, वहां पर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।